Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? आई होप लोग खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ. लेकिन अभी मेरी आईज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. मैं यहाँ की धूप में बैठी थी थोड़ी देर के, लेकिन मेरी बिल्कुल भी आंखें खुल नहीं रही हैं क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा हो रही है. पूरा दिन हम लोग बंद घर में रहते हैं, रूम में, लाउंज में, इतनी रोशनी नहीं. मुझे लगता है मुझे जल्दी वीडियो बंद करके अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो नहीं बन रही है मुझसे. अभी पर टाइम हो गया है 12 बजे का, पतली नज़र भी आ रही है. नहीं, 11:59 हो चुके हैं, 12 बजने वाले हैं. फातिमा को स्कूल से लेने जाना है मुझे, तो बस चलती हूँ, जाके अबाया पहनती हूँ. फातिमा को स्कूल से लेकर आती हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ फातिमा को लेने के लिए. मैंने अबाया पहन लिया, लेकिन अभी ना मुझे अहमद से चोरी चोरी निकलना पड़ेगा. अगर अहमद ने मुझे देख लिया तो वो लग जाएगा मेरे पीछे, तो मुझे चुप करके जाना पड़ेगा. चलो बाबा, बाबा देखो डॉग, डॉग बाबा, डॉग, डॉग इज स्लीपिंग, डॉग सो रहे, डॉग सो रहे. फातिमा चलो ऊपर चलो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. उड़ गए ऐसा फेस बना के क्या हुआ? बाबा उठ गए, आपके बाबा उठ गए. जाओ बाबा से मिलो, बाबा को अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम करो, बाबा को मिलो जाके. जाओ नाश्ता बनाओ सर आपके लिए. ओए नींद में ही हो अभी तक? उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, लोग लंच की तैयारी कर रहे हैं. नाश्ता बनाओ. नहीं करोगे नाश्ता? और फातिमा को देखो तुम्हें कैसे खड़े होकर देख रही है, इसको तो देखो जरा. तो फातिमा सो चुकी है, अभी मैंने सोचा कि जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ. वैसे नाश्ते का तो ये टाइम नहीं है, ये लंच का टाइम है. तो ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के क्या बना उसे? ब्रंच. ब्रंच, हाँ ब्रंच, अभी हम लोग का ब्रंच टाइम है. फातिमा को भी उठाकर रेडी करने हैं बिकॉज फातिमा को ट्यूशन जाना है. मेरी प्यारी बेटी है ना, उठ जाओ. नहीं जाना है, उठ जाओ बाबा, फिर कल छुट्टी है ना, कल घर में आराम करिएगा, ठीक है? उठ जाओ. फातिमा रेडी है हमारी ट्यूशन जाने के लिए. अभी फातिमा के बाबा इन्हें छोड़ने जाएंगे. ये रहा फातिमा का बैग जो मैंने रेडी कर दिया है. अरे भाई बहुत भारी है इसका बैग, इसको मत देना उठाने के लिए, तुम ही उठाना. फातिमा कैसा लग रहा है आपको ट्यूशन जाने के लिए? फातिमा को कुछ ही दिन हुए अभी ट्यूशन जाते हुए, 2 से 3 दिन. हाँ फातिमा, उसे रोती है ये नहीं. गेट पे जब छोड़ते हो तो या लेते हो तो नहीं रोती है? नहीं रोती है, मेरी बेटी तो बहुत समझदार है ना, इसलिए नहीं रोती है. सोचा जब तक फातिमा नहीं है मैं जल्दी से अपनी वीडियो का वॉइस ओवर कर लेती हूँ और अपना ये पूरा रूम क्लीन कर लेती हूँ ताकि जब वो आए मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ. और अभी मैंने गलती से उज़ैर का मोबाइल उठा लिया, तो अपना मोबाइल लेती हूँ मैं, अब तो आज चार्जिंग में लगा हुआ है. जल्दी से निकालती हूँ, वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ, उसको अपलोड करती हूँ. और फिर आज मैंने मशीन भी लगाई हुई, कपड़े भी धो रही हूँ, तो वो भी करना है. जल्दी से अभी ये काम करती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ. फाइनली सारे कपड़े वॉश हो गए हैं और अभी मुझे इतनी शदीद वाली सर्दी लग रही है ना, मुझे लगता है आज मुझे एक अंडा बॉयल करके खाना ही पड़ेगा. और मेरे हाथ में अभी एक फातिमा का जैकेट बचा है, इसको डालने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है दूर दूर तक. और यहाँ तक के मैंने इस पर भी डाल दिए हैं कपड़े, फिर भी जगह नहीं है. अब खैर इसके लिए जगह ढूंढती हूँ, पहले इसको डालती हूँ और जाती हूँ अंदर, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर बहुत सर्दी लग रही है. बस सर्दी में काम करने का भी अपना ही मज़ा है यार, जाओ काम करो फिर ब्लैंकेट में लेट जाओ. फातिमा ट्यूशन से आ गई और आते हुए क्या लेकर आई हैं आप बाबा? इसमें तो सॉस डालेगा ना, इसमें केचप डलता है बेटा. अपनी फेवरेट प्लेट में खा रही है जो दादू ला के दी थी, अपने रैबिट वाले ट्रे में. वाह फातिमा, भूला ही लाइट चली गई, ओ उसमें भी बहुत मजे है यार. शाम के 6 बजे लाइट चली गई है. शैतान क्या होता है बताओ? शैतान हम लोग को लाइट दिखाता है. हम लोग को क्या करना चाहिए बताओ? शैतान की बात सुननी चाहिए या नहीं? नहीं सुननी चाहिए. गुड, अभी उज़ैर जाकर लेकर आए हैं भाई सूप. ये है किसका? ये फातिमा का है. अंडे वाला सूप फातिमा का. और हमारा अहमद भी आया है. अहमद क्या है बेटा? ये आपका ब्लू अहमद का, पिंक फातिमा का. फातिमा रुको बाबा निकालेंगे उसमें. सूप निकाल लिया है. और क्या है? वाह मुर्गी पंजे. ये है मुर्गी की टांग. पंजे, पंजे बोलते हैं. पंजे बोलते हैं. नहीं वो है उज़ैर, चिकन फीट. हाँ. चिकन फीट है, चिकन फीट. जल्दी से निकालो यार, ठंडा हो जाएगा. उज़ैर उसको देखो उसका रिएक्शन. आप खाओ पियो फातिमा, मैं अहमद को खुद से पिलाऊंगी. अब बारी है
उस लम्हे की जो थंबनेल में है और जिसका वेट आप लोग पूरी वीडियो से करते हुए आ रहे हैं कि कब मैं दिखाऊंगी, मत मानो फिर भी। अच्छा जी, अभी हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई है बिकॉज हमारी छोटी शहजादी का फर्स्ट रिजल्ट आया है, मतलब पहली बार इसका रिजल्ट आया है जब से इसकी स्कूल लाइफ स्टार्ट हुई है। अभी स्कूल लाइफ स्टार्ट हुए कुछ ही मंथ्स हुए हैं इसको, वैसे भी अगस्त से स्टार्ट हुए हैं ना आई थिंक, हाँ अगस्त से इसका स्कूल स्टार्ट हुआ है। तो अभी इसका मिड टर्म का रिजल्ट आया है, इनको तो देखो जरा। हाय करिए, हाय करिए, हाय करिए, हाय करिए, हाय हाय करो बाबा, हाय। और ये रहा हमारी फातिमा का रिजल्ट। फातिमा, मामा को निकाल के दिखाइए आप, बल्कि आप सबको निकाल के दिखाइए जल्दी से। ऐसे ऐसे रखो, ऐसे रखो, निकाल के दिखाओ, निकालो, दिखा दे। ये अब नजर आ रहा है। इस रिजल्ट में उजैर का क्या रिव्यू है वो उजैर तुम बताओ जरा, तुम्हें कैसा लगा फातिमा का रिजल्ट? अच्छा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला फातिमा को और कामयाबी दे, आमीन। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी माशाल्लाह से जितना अच्छा फातिमा का रिजल्ट आया। बेटा वेट वेट ना दिखाइए, सच है मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी फातिमा से, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से फातिमा का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि फर्स्ट टर्म में फातिमा स्कूल नहीं गई, फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुआ था, बीमार भी बहुत बीमारी और बहुत ही एब्सेंट भी रही है स्कूल से। फर्स्ट टर्म इसका मार्च से स्टार्ट हुआ था, पर ये नहीं गई, अगस्त से गई सेकंड टर्म से, फिर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों को करीब से सही से दिखाती हूँ, ये देखिए। अरे यार फ्रंट कैमरे में तो उल्टा नजर आ रहा है, चले मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, आप लोग सही से रिजल्ट देख लीजिएगा। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले तो फातिमा की पिक्चर को इग्नोर करिए, पता नहीं स्कूल में कबड्डी लड़ने के बाद फातिमा ने ये पिक्चर क्लिक करवाई थी। फेयर्स देखिए इसके, फातिमा के छोड़ो बेटा, आप है आप। अच्छा दिखाने दिए मामा को बेटी, प्लीज प्लीज। तो माशाल्लाह से फातिमा के सब सब्जेक्ट में फुल फुल मार्क्स है, बस जो रिटन के थे जैसे कि उर्दू इंग्लिश मैथ्स एंड ड्राइंग, इसमें थोड़े से मार्क्स इसके कटे हैं राइटिंग की वजह से, क्योंकि अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था स्कूल ज्वाइन किए हुए, तो इसको राइटिंग भी सही से नहीं आती थी माशाल्लाह से। लेकिन ओरल में फातिमा के हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स है और ए प्लस ग्रेड बना है फातिमा का अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इंशाल्लाह इससे भी अच्छे रिमार्क्स आएंगे फातिमा के। तो जी उम्मीद है आप लोगों को फातिमा का रिजल्ट और हमारी आज की वीडियो दोनों पसंद आया होगा, और अगर फातिमा का रिजल्ट अच्छा लगा तो हमारी बेटी के लिए ढेर सारी दुआएं कमेंट्स में जरूर करिएगा ताकि ये फाइनल टर्म में इससे भी अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, साइड से निकल जाते हैं। सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब करें, हम लोगों को पता चल जाती है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फातिमा के लिए अच्छी अच्छी सी दुआएं दे फातिमा को ताकि ये और कामयाब हो इंशाल्लाह, और अहमद को भी। ये तो हमारा छोटा राजा जो कुछ बोलता ही नहीं है वीडियो में आके, वैसे तो बहुत बोलते हैं माशाल्लाह, अभी छोटा है ना बेबी, वीडियो में आके बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो सो बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।